आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लग्जरी हॉस्टल जो कि वाइब्रेंट है और हैपनिंग प्लेस है। ये एक यूनिक थीम से इंस्पायर्ड है, बहुत ही मजा आने वाला है। यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या क्या एक्टिविटीज आप यहाँ पर कर सकते हो, सारी की सारी डिटेल्स जो है इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हिनल, फाइन इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी आई हूँ अंजुना गोवा में, और जैसे कि पता ही है अंजुना बहुत ही हैपनिंग प्लेस है, और यहाँ पर मैं आपको एक अफोर्डेबल रेट में जो है थीम बेस्ड हॉस्टल रह रही हूँ जो कि बीच से बस 500 मीटर की दूरी पर है। जो भी सिंगल बॉयज़ या फिर गर्ल्स होंगे जिनको वर्केशन के लिए एक अच्छी सी प्लेस चाहिए होगी, उनके लिए ये जगह जो है वो बहुत ही बेस्ट है। तो मैं अभी आपको यहाँ का पूरा टूर देने वाली हूँ। ये जगह कैसी है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, और यहाँ पर जो है आपको जो है डोरमेट्री भी जो है वो टूर दिखाने वाली हूँ। और इस प्लेस का जो नाम है वो है वूपर्स, जिसके आपको पता ही है वूपर्स जो है वो ब्रांड है। इसके पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है बहुत सारे ब्रांचेस है। तो यहाँ पर मैं आपको प्राइस भी बता देती हूँ, 500 टू 600 के बीच में जो है आप यहाँ पर आराम से रह सकते हो। आपको 1 वीक रहना होगा, 15 डेज या फिर 1 मंथ। बहुत ही बढ़िया प्लेस है। तो यहाँ पर जो है और एक इनकी प्रॉपर्टी है जो कि बुटीक होटल है, जहाँ पर स्विमिंग पूल एरिया भी है। अगर आपको वहाँ पर भी रहना होगा तो उसका अलग से ब्लॉग जो है मैंने बनाया है। वहाँ पर भी डॉर्मेट्री है जिसकी प्राइस जो है अलग है, लेकिन वहाँ पर आपको पूल मिल रहा है। ये दोनों की प्रॉपर्टी है वो अलग अलग है, आप वहाँ पर नहीं जा सकते। तो मैं आपको जो है अगर आपको वो भी देखना होगा तो मेरा अलग से ब्लॉग जो है वो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सो इस हॉस्टल में आने के लिए आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है तिवीम रेलवे स्टेशन, नियरेस्ट बस स्टेशन है मापसा, और नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो डाबोलिम एयरपोर्ट है। सो यहाँ पर आने के लिए आप जो है वहाँ से रेंट पर बाइक भी ले सकते हो। ये है वूपर्स, और यहाँ पर जो है 4-व्हीलर की पार्किंग है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है 2-व्हीलर आप जो है पार्क कर सकते हो। प्रॉपर्टी के अंदर आप जो है पार्किंग एरिया आपको नहीं मिल रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल है। यह है हॉस्टल जो कि ब्रेकिंग बैड इस थीम पर बनाया गया है। सो जैसे ही आप हॉस्टल के अंदर एंटर कर देते हो, यहाँ पर आपको जो है डोरमेट्री के रूम्स मिलने वाले हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर है सिटिंग एरिया। ये जो सिटिंग एरिया यहाँ पर इन लोगों ने बनाया है वो बहुत बड़ा और ओपन है। सो यहाँ पर आप जो है कोकोनट ट्री के नीचे बैठकर अपना जो है काम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हाई स्पीड जो है वाईफाई है, यहाँ पर हैमॉक्स लगाए जाते हैं, वाइब्रेंट कलर है, यहाँ पर आप इंस्टा के लिए जो है फोटो क्लिक्स कर सकते हो, वीडियोस निकाल सकते हो, बहुत ही हैपनिंग लगता है। सो यहाँ पर आपको क्या क्या जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, यहाँ पर बार एरिया है, यहाँ पर रेस्टोरेंट है, यहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, यहाँ पर साइकिल्स हैं, डेली हाउस कीपिंग रहती है, उसके बाद फ्री मिनरल वाटर है, इन हाउस एक्टिविटीज़ होगी, हॉट वाटर भी है, इसके साथ यहाँ पर जो है टेबल पूल भी है, और टेबल गेम्स है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको जो है स्टोरेज भी मिलता है। स्कूटर्स चाहिए होगी यहाँ से ही रेंट पर, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसी के साथ साथ एयर कंडीशनर रूम्स है, एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हो, 24/7 सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर रहता है, और मेन यहाँ पर जो है फुल्ली पावर बैकअप है। अगर आप वर्केशन के लिए आ रहे हो तो आपको पावर बैकअप की जो है ज़रूरत ज़रूर लगेगी। बहुत ही हैपनिंग प्लेस है, बहुत ही अच्छे से हर एक चीज़ का जो है यहाँ पर ख्याल रखा गया है। सपोर्टिव जो है स्टाफ है, आपको आपकी कुछ भी क्वेरी रहेगी तो आपको जो है यहाँ पर जो है आप पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ जो है रूम्स यहाँ के जो है बहुत ही क्लीन रहते हैं। सो गाइस, मैं अभी आपको जो है 6-बेड की जो है डोरमेट्री दिखाने वाली हूँ। सो यहाँ से हम लोग अंदर की ओर जा रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर आप देखो बाहर की तरफ यहाँ पर शूज़ रखने के लिए शू रैक है, डस्टबिन है, उसके साथ साथ यहाँ पर बिस्लेरी बॉटल भी है, और अगर आप बीच के ऊपर से आ रहे होगे तो उसको क्लोथ को सुखाने के लिए ये रैक्स भी रखे गए हैं। बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट है। तो मैं अभी आपको 6 बंक बेड्स जो है वो दिखाने वाली हूँ, जहाँ से आपको जो है बेड कैसे वो दिखते हैं। सो यहाँ पर आप देखो, ये है रूम। रूम की जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ी है, और हर एक बंक बेड के ऊपर
क्लीन जो है लिनन के बेड शीट्स लगाए हुए हैं, और यहाँ पर हम लोगों को ब्लैंकेट्स मिल रहे हैं, यहाँ पर चार्जर पॉइंट भी है और लाइट भी है ना बढ़िया। तो यहाँ पर ऊपर नीचे ऐसे ये बेड है, काफ़ी अच्छी स्पेस भी है, एसी है, उसके साथ साथ यहाँ पर एक बड़ा सा मिरर लगाया गया है। और यहाँ पर जो एसी का टाइमिंग है वो है रात को 7 से सुबह 11 बजे तक। तो ये है, और ये है यहाँ का वॉशरूम। सुबह अभी आपको वॉशरूम दिखा देती हूँ। ये है वॉशरूम, यहाँ पर शॉवर एरिया है और सामान रखने के लिए यहाँ पर रैक, और ये है यहाँ का वॉशरूम। सो वॉशरूम काफी क्लीन है, बहुत ही अच्छा, क्योंकि रूम्स काफी क्लीन है। सो इन बंक बेड के नीचे जो है, इन लोगों ने आपका कुछ भी लगेज सामान हो उसको रखने के लिए यहाँ पर ऐसी स्पेस दी गई है। ये बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट है, लॉकर्स की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर जो है इसे यहाँ पर जो है लॉक लगा सकते हो, बहुत ही बढ़िया। उसके वजह से जो है यहाँ पर आपको जो है लगेज और आपकी जो सैक बैग होगी और भी कुछ सामान होगा उसको रखने में काफ़ी जो है आसानी होती है। आप देखो साइज जो है सच में बहुत ही बड़ी है, तो आपका काफ़ी सारा जो सामान है यहाँ पर आने वाला है ना बढ़िया। तो यहाँ पर क्लीन मैट्रेस है, कुशन है, लाइटिंग है, चार्जिंग पॉइंट है, और रूम की जो साइज़ भी है वो काफ़ी बड़ी है, ये मुझे सच में बहुत पसंद आया। एसी भी है, तो आप यहाँ पर जो है रह सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर जो है सारे के सारे जो है डॉर्मेट्री ही है, जिसको हर एक रूम के ऊपर सिटिंग अरेंजमेंट ये सब कुछ दिया गया है। ये जो हॉस्टल है ना, ये जो अंजना का नंबर 1 हॉस्टल है, मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी, क्योंकि इससे बेहतर फैसिलिटीज़ आपको और कहीं भी नहीं मिलने वाली। उसके साथ साथ यहाँ पर जो एस्थेटिक एम्बियंस है, प्राइम लोकेशन है, कंफर्ट और कन्वीनियंस है, और कैफ़े रेस्टोरेंट और क्लीन हाइजेनिक, ये सारे इसके जो प्लस पॉइंट है। ऑब्वियसली आपको जो है यहाँ पर घूमने के बाद भूख तो लगेगी, तो इसके सामने ही इनका खुद का होटल है, वहाँ पर इनका रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप जो है फूड खा सकते हो या फिर अपने हॉस्टल में भी जो है मंगवा सकते हो। मैं आपको यहाँ पर जो है मेनू कार्ड दिखा देती हूँ, जिससे आपको जो है ऑर्डर करने में आसानी होगी। सो यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर ब्रेकफास्ट है, बेवरेज है, आपको जो है बार एरिया आपने जैसा ही देखा कि बाहर के साइड पर ही है, यहाँ पर बर्गर, पिज्ज़ा, पास्ता, ये सब कुछ आप जो है ऑर्डर कर सकते हो। चाइनीज़ है, इंडियन है, ब्रेड्स है, डिज़र्ट है, सैलेड है, बहुत सारे ऑप्शंस जो है यहाँ पर है। जैसे कि आपको पता ही है अंजुना फेमस है यहाँ के हिप्पी कल्चर के लिए, यहाँ पर बहुत सारे सनडाउनर कैफेज़ हैं जहाँ पर जो है आप अपनी ड्रिंक के साथ जो है सनसेट जो है इंजॉय कर सकते हो। यहाँ की जो नाइट लाइफ है ये सच में बहुत ही अच्छी रहती है, इसके साथ साथ नाइट क्लब्स भी यहाँ पर है जहाँ पर आप जा सकते हो। ऐसी बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस भी है जिसे आप कर सकते हो। इसके साथ साथ इनका वूपर्स का जो है इनका बुटीक होटल भी है, जहाँ पर जो है कपल्स रहना चाहते हैं तो वो भी रह सकते हैं, जिसके अंदर स्विमिंग पूल एरिया भी है, और इसके साथ साथ यहाँ पर ड्रोम भी है, जिनको जो यहाँ पर रह रहे हैं हॉस्टल में वो जो है स्विमिंग पूल यहाँ का जो है वो यूज़ कर सकते हो, है ना बेहतरीन। इसका भी मैंने जो है अलग से ब्लॉग बनाया है, वो भी जो है आप ज़रूर देखिए। यहाँ पर है जो आप जो है बाहर का फूड जो है अंदर नहीं लेके आ सकते, तो आपको यहाँ पर रेस्टोरेंट है तो वहाँ से आप जो है फूड मंगवा सकते हो। उसी के साथ साथ बहुत ही शांत प्लेस है, आपको बिल्कुल भी कोई अलग नॉइस नहीं सुनाई देगा, पिकॉक की आवाज़ पूरा का पूरा जो है सराउंडेड ट्री से भरा हुआ है, और ये ब्राइट कलर्स इसमें सच में बहुत ही अच्छा लगता है। रात को तो ये जगह है ना और भी अच्छे लगने लगती है। मैं आपको मेनू कार्ड जैसे कि आपको दिखा ही दिया है, तो आप वैसे फूड मंगवा लीजिएगा। उसके बाद गेम जोन है, यहाँ पर सिट आउट्स बहुत ही अच्छे हैं, और इसके साथ साथ रूम काफ़ी जो है क्लीन है, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। बीच भी यहाँ से काफ़ी पास में है, आप जा सकते हो, और यहाँ पर जो है आपको बहुत अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ मिल रहे हैं। उसके साथ साथ बांका कलुंगड़ भी आपको पास ही में लगता है, तो आप वहाँ पर भी घूमने के लिए जा सकते हो। अगर आपको यहाँ पर रेंटेड बाइक चाहिए होगी तो वो भी आपको जो है प्रोवाइड किया दिया जाएगा, बहुत ही बेस्ट है, और वेल नोन ब्रांड होने की वजह से इसमें बिल्कुल भी डाउट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। जैसे कि 500 रुपीस की ये रूम है डॉर्मेट्री, जिसमें आप जो है 6 बेड यहाँ पर लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छी स्पेस है बाहर की तरफ। ये यहाँ का जो है बेस्ट पार्ट है। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।